Hey everyone, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Shana. So in this video, I'm going to show you affordable haircut routine. आप में से बहुत सारे लोग recently मुझे request कर रहे थे कि ऐसा haircut routine share कीजिए जिसमें affordable product use किए हो, जो आपको market में available हो. So आज इस video में मैं आपके साथ share करूँगी affordable haircut routine जो आप आसानी से follow कर सकते हैं. So yeah, let's get started. So let's start haircut routine with the hair oil. So hair oil बनाने के लिए हमें चाहिए 1 tablespoon olive oil. अब उसके बाद 1 tablespoon castor oil. अब last में हमें add करना है 3 tablespoon coconut oil. So now hair oil is ready to use. और हाँ, ये 3 oil आपको market में आसानी से available हो जाएंगे. सो अब हेयर ऑयल अप्लाई करने से पहले हम हेयर में से टेंगल रिमूव कर लेंगे. अब हम हेयर ऑयल को इस तरह से हेयर में अप्लाई कर लेंगे. सो ये हेयर ऑयल आपके हेयर को स्मूथ, शाइनी एंड स्ट्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और उसके साथ साथ ये आपके हेयर को थिक भी करेगा. अब बाकी बचे हेयर में हम अच्छे से हेयर ऑयल को अप्लाई कर लेंगे. अब हेयर ऑयल को हमें 1 आवर तक ऐसे ही रख के हेयर वॉश कर लेना है. अब शैम्पू अप्लाई करने से पहले हम हेयर को थोड़ा वेट कर लेंगे. सो शैम्पू मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डव इंटेंस शेपर शैम्पू. ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और ये आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल भी हो जाएगा. अब शैम्पू को हमें इस तरह से डायरेक्टली हेयर में अप्लाई करके हेयर वॉश कर लेना है. अब उसके बाद हम कंडीशनर भी सेम रेंज का यूज़ करेंगे डव इंटेंस रिपेयर और इसको हम सिर्फ हेयर लेंथ में ही अप्लाई करेंगे लाइक आई सर. सो ये शैम्पू एंड कंडीशनर रफ एंड ड्राई हेयर को रिपेयर करने में हेल्प करेंगे और उसके साथ साथ ये आपके हेयर को थिक भी बनाने में हेल्प करेंगे. सो 500 के अंदर डव के ये रेंज वाले शैम्पू एंड कंडीशनर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और 1000 के अंदर कोकोशोल शैम्पू एंड कंडीशनर. लेकिन इंडिया में आपको कोकोशोल आसानी से अवेलेबल नहीं होगा. सो आप डव का ये इंटेंस रिपेयर शैम्पू एंड कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं. ये भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे. अब शैम्पू के बाद हमें यूज़ करना है सीरम. सो सीरम आई एम यूजिंग ब्ली ब्लोंड इंटेंस मॉइस्चर हेयर सीरम. सो ये भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और ये आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल भी हो जाएगा. अब सीरम को हम वेट हेयर में ही इस तरह से अप्लाई कर लेंगे. अब सीरम के बाद हम वुड हेयर ब्रश से हेयर को डिटेंगल कर लेंगे वेट हेयर में ही. सो मैंने हर बार आपके साथ शेयर किया है कि आपको वुड हेयर ब्रश ही यूज़ करना चाहिए. इससे आपके हेयर आसानी से डिटेंगल हो जाते हैं और डैमेज भी नहीं होते. सो आप देख सकते हैं हेयर केयर के बाद मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट, स्मूथ एंड थिक लग रहे हैं. सो अगर आपको भी अपने हेयर स्ट्रेट, स्मूथ एंड थिक चाहिए तो आप भी ये हेयर केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.